भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में आयोजित बरहवा महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का 3 दिवसीय आयोजन डेहरी अनुमंडल स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, फिल्म निदेशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी शामिल होंगे। यह संगोष्ठी 26 दिसंबर से प्रारंभ होगा जो 28 दिसंबर तक चलेगा। संगोष्ठी का विषय स्वतंत्रता और प्रतिरोध यानी अतीत से वर्तमान तक रखा गया है। इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली तथा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ कई अन्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वान अपने अपने शोध प्रस्तुत करेंगे और विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संगोष्ठी का विषय रखा है स्व स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करूं कि जो सेल्फहुड है हमारा, स्व है, उस पे ही सबसे ज्यादा प्रहार ब्रिटिश सत्ता के दौरान हुआ। उनको लगा कि अगर वो हमें हमारे संस्कृति से, हमारे ज्ञान परंपरा की जड़ों से हमको काट देंगे तो लंबे समय तक निष्कंटक वो राज कर पाएंगे। स्थिति ये हुई कि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन आजादी के बाद भी जिस स्व से हमें जुड़ना चाहिए था, क्योंकि उनका सारा प्रहार उसी पे था, उस स्व से हम स्वाधीन तो हुए लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सके। हमारी भाषा व्यवस्था, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी समाज व्यवस्था, जिसके बल पर हम कभी विश्व गुरु के रूप में दुनिया में पूजित हुए, उससे हमारा जुड़ाव तुरंत आजादी के बाद होना चाहिए था, लेकिन हमारी दिशा कहीं ना कहीं भटक गई, हम उससे नहीं जुड़ सके। ये पूरा मंथन इसी को केंद्र करके जो हमारे प्रतिरोध का भाव है, हुआ क्या कि जब इतिहास लेखन हुआ तो इतिहासकारों ने, खास धारा के इतिहासकारों ने, ये दिखाने का प्रयास किया कि साहब ये तो कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, यहाँ के लोगों को अपना शासन करने नहीं आता था, इसीलिए विदेशी यहाँ आते गए और अपना शासन करते रहे, एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने अपनी ही संस्कृति के अवयवों के प्रति बहुत जागरूक नहीं है, जागृत नहीं है, उसके प्रति आग्रही नहीं है। ये दोनों जो स्थितियां बनी वो कैसे ठीक हो सके उस पे जो पूरा, जबकि हमेशा हमने प्रतिरोध किया, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण बताए गए, लेकिन आनंगपाल, त्रिभुवनपाल, गोगावीर का जो प्रतिरोध है वो हमसे छिपाया गया। उसका एक सैयद सालार मसूद गाजी, उसका एक सिपाह सालार है जो आता है, युद्ध करता है 1.5 लाख की सेना के साथ, और एक छोटा सा शासक सुहेल देव उस 1.5 लाख की सेना का खात्मा कर देता है, लेकिन एक लाइन में भी हमारी पाठ्य पुस्तकों को, जिन बातों से हमारी पीढ़ियों को गर्व हो सकता था, उनके रक्त का प्रवाह ठीक हो सकता था, वो चीजें खत्म कर दी गई या हटा दी गई। ये पूरा मंथन उसी को रिगेन करने का है, ये पूरा मंथन उसी की पुनर्यात्रा का है, उसको शामिल करने का है, उस दिशा में बढ़ने का। युवाओं के लिए खासतौर पर ये संगोष्ठी जी, बिल्कुल, जो हमारी जिन पीढ़ियों के मस्तिष्क पक चुके हैं, अब उनमें कोई नई चीज इनकलकेट करना कठिन होता है, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारा, जिसके ऊपर अभी भी जो सही अनुसंधान है, सही शोध है, उससे जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, उनका प्रभाव और उसके अनुसार उसकी वैचारिकी, उसका चिंतन बन सकता है, ये पूरी जो कवायद है, पूरा जो प्रयास है। ये हमारे जो अधिवेशन या यूं कहें कि ये जो महामंथन का जो आयोजन जमुहार के इस गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में हुआ है, ये 3 दिवसीय अधिवेशन है अपना। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम 1500 से 2000 शिक्षाविद और अपने क्षेत्र के महारथी यहाँ इस मंथन में उपस्थित रहेंगे। उनका सबका हम सुरहतास की धरती पर स्वागत करते हैं। और 3 दिनों तक अलग अलग जो आपको पत्रक आपके हाथ में, आपको जो हमने दिया है, उसमें 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पे शोध और जो हमारे डिस्कशन, पैनल डिस्कशन के साथ में अलग अलग विषयों के ऊपर मंथन होगा, और ये 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा।
सर उद्घाटन में धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे, किस तरह से? हाँ, अभी तक तो उम्मीद है कि हमारे भारत के, भारत सरकार के विचारणीय मिनिस्टर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अपने महेंद्रनाथ पांडे जी जो भारी उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं, इन दोनों की सूचना अभी तक तो है यहाँ पे। और रोहतास के लिए बड़ी बात होगी कि दो दो केंद्रीय मंत्री और अनेकों विश्वविद्यालय के, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और बड़े बड़े स्कॉलर्स आज इस धरती पर रहेंगे, जो हमारी ज्ञान की धरती भी रही है, वहां इस तरह की चर्चा होना हमारे लिए गर्व का विषय है। राजवंशों को जिन्हें वो स्थान नहीं मिला, जिन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया, रेसिस्ट किया, उसमें कई सारे ऐसे राजवंश हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सबको जानने की जरूरत है, जो हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है। हमारे बच्चे जाने, हमारे आने वाला जनरेशन जाने, मुझे नहीं लगता कि अगर यही परिस्थिति रहेगी, जैसे आपने कई सारे शासकों को सुहेलदेव जी की चर्चा की, महाराणा प्रताप की अगर चर्चा आती है या मेवाड़ की चर्चा आती है, टेक्स्ट बुक हम लोगों ने भी पढ़ा है। जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा करते थे तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मेवाड़ पे देखते हैं। 1303 में मेवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी जीतते हैं और खिजराबाद उसका नाम रखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दैट, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड लेटर ऑन? 1303 के बाद क्यों चुप हैं आप? उसके बाद भी तो लिखिए कि परिस्थितियां बदलती हैं, फिर से वहां पर मेवाड़ का शासक जो है विद्रोह करता है और पूरा उनके सत्ता में वहां पर काबिज होता है। पूरा टेक्स्ट बुक कहीं ना कहीं वो गया है। एक पजासी राजा का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। पजासी राजा केरला का शासक है और 1805 के आसपास उनका शासन चल रहा है। टिपू सुल्तान के कंटेम्पररी हैं। और मुझे पढ़कर बड़ा ये बहुत मैं आश्चर्य हुआ कि जिसने ये कोट किया कि जब यहां से जब नेल्सन जब वापस चले गए इंग्लैंड में, क्योंकि वो पजासी राजा को हरा नहीं पाते और नेपोलियन बोनापार्ट को हराने वाला आदमी व्यक्ति, उसने वही रणनीति को अपनाया जो पजासी राजा अंग्रेजों के खिलाफ अपनाते थे। तो ही लर्न द कैपेबिलिटी। तो हमें उन शासकों के बारे में सबके सामने लाने की भी जरूरत है। हमारा जो यंग जनरेशन है, नॉर्थ से लेकर साउथ, वेस्ट से लेकर ईस्ट, सबको कहीं ना कहीं हमें एक तरह से सबका रिप्रेजेंटेशन हो। उड़ीसा में क्या चल रहा है, दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, पश्चिम भारत में क्या चल रहा है, उत्तर भारत में क्या चल रहा है, कौन कौन से ऐसे राजवंश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय हम लोगों को गौरवान्वित किया और पूरे सारी चीजों को शुरुआत से उठाकर हम लोग जो है आधुनिक काल तक इन सारी चीजों को फिर से रखने के एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको, जिनको हम लोगों ने, जैसे बहुत सारे पेपर्स निशान सिंह जी पे भी आ रहे हैं, सहसराम के निशान सिंह जी हैं जिनको 1857 के रिवोल्ट में तोप से उड़ा दिया गया, सब लोग जानते हैं उनपे भी कई। 712 में मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और स्टेनले वुलपार्ट जैसा व्यक्ति लिखता है कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वही आक्रमण जिसने पूरे पश्चिम को हिला कर रख दिया और पूर्वी की तरफ में आप उठाकर देख लीजिए कि करीब 1090 तक, करीब करीब 400 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिम की तरफ से अरबों का प्रवेश एक तरह से रोक दिया। और यही कारण है कि सुलेमान जैसा व्यक्ति कहता है कि भारत में अगर इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है तो मीर भोज। और हमारे, मैं ओपन तो नहीं कर सकता, मैं दिल्ली में कॉन्फिडेंशियल काम से गया हुआ था, 2-4-5 बुक्स वहां पे थी और मुझे वहां पे ढूंढना पड़ा कि क्या मैं अर्ली मेडिवल पीरियड पर मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊं, तो मुझे न गुर्जर प्रतिहारों पे कोई बुक मिल रही थी, न मुझे पालों पे कोई बुक मिल रहा था, न चंदेलों पे कोई बुक मिल रही थी। बुक वही है जो पुरानी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते भी हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। और इसके पीछे तर्क क्या है कि बट नेचुरल के आने वाले समय में जो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो जो बुक्स पढ़ेंगे, बाद में आईएएस होते हैं, एसपी, आईपीएस बनते हैं, लेकिन चीजें वो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, वो उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। हम लोगों ने इस बार अपनी बुक्स को भी दिया कि आप इस बुक्स को भी उसमें ऐड करिए ताकि उस तरह के क्वेश्चंस आए। अगर मुझे गुर्जर प्रतिहारों पर प्रश्न बनाना है तो आई शुड गेट दैट बुक्स इन दैट लाइब्रेरी की उस पर हम प्रश्न बना सकें, क्योंकि उसमें हमको रेफरेंसेस देना पड़ता है कि कहां से आपने उठाया। और वहां पे 50 बुक्स हैं, मुझे इस तरह के कोई बुक्स वहां हम लोगों को मिल नहीं रही है। ना आरसी मजुमदार जी की बुक है, ना रामाशंकर त्रिपाठी जी की बुक है, किसी की बुक हमें उस ढंग से मिलती नहीं। तो एक ऐसा विषय है जिस पर कहीं ना कहीं सारे भारतीयों को स्पेशली, जैसे कोट करने का मतलब होता क्या है कि कई सारे ऐसे बुक्स हैं जहां पर जब किसी इतिहास की कोई चर्चा आती है उसमें कैसे भाषा को हम यूज करें, कैसे उसको हम लिखें, जिससे हमारे देशवासी, हमारे जो हम लोग जो भारतीय हैं, जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं हमें गौरव महसूस हो। बहुत जगहों पे होता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और 1000 लोगों के सर काट दिए गए। यह भी तो हो सकता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और इस भारत में उस मंदिर को बचाने के लिए 1000 लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो भाषा का एक वहां पर एक
बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें एक संतुलन बनाए रखने के लिए उस चीज को वहां पर रखने का बहुत ही एक तरह से जरूरत है। और भारतीय इतिहास के विभिन्न कई पहलुओं पर, चाहे वो सिकंदर के आक्रमण से उठा लीजिए, पारसिकों का आक्रमण को उठा लीजिए, अरबों को आक्रमण को उठा लीजिए और तुर्कों के आक्रमण को उठा लीजिए और आधुनिक काल में ब्रिटिशर्स को उठा लीजिए। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट।